मिनट समय है और 20 मिनट के अंदर में दोस्तों मैंने आज आपसे अगले लेशन लिस्ट के ऊपर में दोस्तों थोड़ी बात करूंगा 20 मिनट और मेरे ख्याल से चलेगा दोस्तों। यस और नो, आप समझ गए, आप जगह पर आपने यस बोल दिए। दोस्तों ड्रीम टीम बनाने के लिए आपको यहां पर क्या करना होगा दोस्तों? ड्रीम टीम बनाने के लिए आपके पास 6 प्रकार के जज्बे और जोश अगर आपके पास है दोस्तों, तो आप इस बिजनेस के अंदर में आप दोस्तों ड्रीम टीम का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। मजबूत तन, मजबूत मन और किसानों वाली मेहनत और पिताजी वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइटर कोर और बड़ी लिस्ट, जिसका शरीर में एनर्जी है दोस्तों, वही तो बिजनेस में जाकर के लगातार प्लान दिखाएगा। जो 2 प्लान दिखाने के बाद थक जाएगा वो आदमी ड्रीम टीम कैसे निर्माण कर सकता है दोस्तों? जिसका अंदर से मन मजबूत है, चेक आया तब भी काम करूंगा, चेक नहीं आएगा तब भी काम करूंगा, मैं सेफ शॉप के प्रति लॉयल हूं, मैं खुद के प्रति लॉयल हूं, मैं अपने परिवार के प्रति दोस्तों लॉयल हूं, मैं कंपनी के प्रति लॉयल हूं, मैं अपने डाउनलाइन के प्रति लॉयल हूं, मैं अपने अपलाइन के प्रति लॉयल हूं, और सबके प्रति दोस्तों अगर आप लॉयल हैं, वफादार हैं, तो दोस्तों आपको ड्रीम टीम बनाने से भला कौन रोक सकता है दोस्तों? किसानों वाली मेहनत, अगर इस बिजनेस में दिन रात और आपने 1 साल 1.5 साल 2 साल मेहनत कर गए तो दोस्तों आप अपने खानदान का हिस्ट्री क्रिएटर कैसे नहीं बन सकते हैं दोस्तों? और जहां जहां आपको अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हो, आपकी कंपनी से प्रोडक्ट किसी का नहीं आया हो, किसी की नाम की स्पेलिंग गलत हो गया हो दोस्तों, अगर आपके टीम में 1 डायमंड है चाहे 1 रेड क्लब है और सारी प्रॉब्लम दोस्तों अगर आप डायमंड और रेड क्लब को ही बताओगे तो दोस्तों वो बंदा आगे कैसे काम करेगा दोस्तों? अगर यहां पर हम अपनी टास्क को बांट करके, अगर दोस्तों हम अगर इस बिजनेस में 18 के टीम बना गए हैं, अगर दोस्तों हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के यहां पर काम नहीं करेंगे दोस्तों, बाप वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है एक परिवार में, तो दोस्तों इस बिजनेस में आप अपने टीम को ड्रीम टीम, ताकतवर टीम, फाइटर टीम, कोर टीम, सम्राट टीम, जागुआर टीम दोस्तों आप कैसे बना पाओगे? रॉयल टीम कैसे बना पाओगे दोस्तों? स्टार टीम, जो भी आप एक टीम का नाम रखते हो, कैसे बना पाओगे दोस्तों? दमदार टीम कैसे बना पाओगे दोस्तों? और आप अपने टीम में सीखने और सिखाने का, आप अपने टीम में कोर डेवलप नहीं कर रहे हैं, आप प्लानर नहीं तैयार कर रहे हैं, आप दोस्तों ट्रेनर नहीं तैयार कर रहे हैं दोस्तों, आप बिजनेस में आगे कैसे बढ़ पाओगे आप बताइए? कॉमन सेंस की गेम है दोस्तों। 5 बड़ी लिस्ट अगर आपके पास में नहीं है दोस्तों, आपका मोराल कैसे अप रहेगा? अगर आपके टीम के पास बड़ी लिस्ट नहीं है दोस्तों, आप आगे कैसे काम कर पाओगे? हमारे टीम का, रजत सर का जो ऑनरेबल डायरेक्टर है, उनका यही कहना है कि इस बिजनेस के अंदर में उन्होंने मात्र 1 पेज के अंदर में अपना पूरा संदेश और मैसेज दिए हुए हैं कि अगर एक व्यक्ति को अगर आपको ड्रीम टीम बनानी होगी तो 6 बातें को आपको मानना होगा। मजबूत तन, मजबूत मन, किसानों वाली मेहनत, बाप वाली जिम्मेदारी, फाइटर कोर्स दोस्तों और बड़ी लिस्ट। अगर आपके पास भी इतनी सारी चीजें हैं दोस्तों, इस बिजनेस में आगे आपको बढ़ने से कौन रोक सकता है दोस्तों? फिर मैं आपको रिमाइंडर करने वाला हूं, अब सारे लोग मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अब सारे लोग समझदार हैं, सारे लोग के ऊपर घर की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है दोस्तों, तो मैं केवल आपको नॉक करने वाला हूं, आपको अलार्मिंग करने वाला हूं। इस लिस्ट के बारे में आप काफी लोग जानते हैं, जो बिल्कुल नए हैं, जिनकी ज्वाइनिंग करने के अंदर 1 महीना का समय है वो कम जानते हैं, आप पुराने सारे जानते हैं, लेकिन दोस्तों मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स में एक बार मैं आपको लिस्ट के बारे में आज फिर अपग्रेड करना चाहता हूं कि अगर आप अगर भूल गए हैं, ज्यादा दिन हो गया है दोस्तों, एक बार समझ लीजिए। अगर दोस्तों आपके पास लिस्ट में कैसी भी व्यक्ति है और बिजनेस ज्वाइन कर गया है और जूम सिस्टम से उसको अटैच करा दिए हो, अगर बंदा अगर सिस्टम से अटैच हो गया, कंटिन्यू ट्रेनिंग प्लान में दोस्तों जुड़ रहा है, मॉर्निंग अपडेट्स में आ रहा है दोस्तों, एक दिन वो व्यक्ति आपका टीम का बहुत मजबूत पिलर बनेगा दोस्तों। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप उस व्यक्ति के ऊपर में कितना फोकस देते हो। एक इंसान 10 आदमी की ज्वाइनिंग करके डायमंड बन जाता है, एक इंसान 200 को टीम बनाने के बाद भी गोल्ड नहीं बनता है, एक इंसान 20 आदमी का टीम बनाकर भी क्राउन एम्बेसडर बन सकता है, और एक इंसान 500 का भी टीम बनाकर के दोस्तों पर लेवल पर रुक सकता है दोस्तों। एक मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा का कहना है कि जो भी व्यक्ति आपके टीम में आता है, हर व्यक्ति दोस्तों आपके लिए डायमंड है,
हर व्यक्ति दोस्तों आपके लिए फाइटर है, लेकिन दोस्तों आपको अगर केयर करने नहीं आ रहा है, आप दोस्तों उनके अंदर एनर्जी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आप दोस्तों उनके अंदर चिंगारी नहीं भर पा रहे हो, तो दोस्तों आप ऐसा ड्रीम बनाने से, ऐसा लिस्ट बनाने से दोस्तों क्या फायदा है। दोस्तों शिव खेड़ा जी एक बात और बोलते हैं कि अगर जिसके पास लिस्ट नहीं है दोस्तों नो बिजनेस, बिग लिस्ट बिग बिजनेस। बड़ा बिजनेस करना है तो बड़ा लिस्ट का दोस्तों रॉ मटेरियल आपके पास और आपके टीम के पास दोस्तों होना ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग लिस्ट स्ट्रॉन्ग बिजनेस, जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा बिजनेस, उतना चेक दोस्तों आप क्रिएट करोगे हर वीक, उतना दोस्तों आपकी टीम क्रिएट करेगी। दोस्तों इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटिंग एक दिग्गज नेता जिन्होंने पूरी जीवन दोस्तों इसी लाइन में गुजार दी, श्री खेड़ा जी कहना है। उज्ज्वल पाटनी साहब एक मोटिवेशनल स्पीकर दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेनर, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि दोस्तों लिस्ट इसलिए जरूरी है, लिस्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि लिस्ट इज द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस का रीढ़ की हड्डी दोस्तों लिस्ट माना जाता है। दोस्तों इसके साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें। दोस्तों क्या हम सारे लोग अपनी दैनिक जीवन में दोस्तों कहीं ना कहीं लिस्ट तो दोस्तों जरूर बनाए हैं, चाहे दोस्तों आपके घर में बर्थडे पार्टी हो तब लिस्ट बनाते हैं, और स्कूल में कॉपी किताब अपने बच्चों को खरीदना है तब लिस्ट बनाते हैं, घर में डेली यूज का सामान खरीदना है दोस्तों तब लिस्ट बनाते हैं, आप अपने घर में शादी में कपड़े खरीदने जाते हैं तब लिस्ट बनाते हैं, आप अपने परिवार में कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग मटेरियल्स का लिस्ट बनाते हैं, घर के गृह प्रवेशक प्रवेश कर रहे हैं तो उसके लिए लिस्ट बनाते हैं, कितने लोग आएंगे, कितने लोग हमारे यहाँ इन्वाइट कराएंगे, अगर आपके घर में कोई डेकोरेशन करना है, नया घर बनाए उसके लिए लिस्ट बनाते हैं, घर में किसी की शादी है, बर्थडे है, हर कामों में दोस्तों हम कहीं ना कहीं लिस्ट जरूर बनाते हैं। दोस्तों मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं कि आप लिस्ट पर कम से कम आधा घंटा रोज सुबह उठ करके फोकस जरूर कर लीजिए, एक बार अपने लिस्ट को पलटिए जरूर, किसका लिस्ट मेरे फॉलोअप में है, किसको मैंने इनविटेशन करना है, कौन अभी मेरे गेस्ट लिस्ट में है, स्कैनिंग करके आप अपने लिस्ट को हमेशा रखिए। दोस्तों इस बिजनेस का लिस्ट जो है फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगर आपने बड़ी सपने बना लिया है, जो मान लो दोस्तों आपको गोल सेट के बारे में कल बताया है, अगर दोस्तों बिना बड़ा लिस्ट का आपका बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है, आपको दोस्तों लिस्ट पे काम करना ही पड़ेगा, और दोस्तों आपको अपने टीम में लिस्ट के ऊपर में लगातार काम दोस्तों करवाना ही पड़ेगा। बड़ी लिस्ट की साइकोलॉजी की फायदे दोस्तों समझिए। अगर हम न्यू प्रोस्पेक्ट्स को प्लान दिखाते समय, फॉलो अप करते समय हम लिस्ट दिखा सकते हैं, अगर उस व्यक्ति का क्वेश्चन होगा कि सर मेरे पास तो कोई, मैं इस शहर में जानता नहीं हूं, दोस्तों आपका लिस्ट बुक जो अगर लिए हो ना, बोले सर जी देखिए मैंने भी इस बिजनेस को एक महीने पहले ज्वाइनिंग किया है और मेरे पास भी 150-200 का लिस्ट है, और आपको पता है इस बिजनेस में मात्र दो ही लेग है, या तो इधर डालना है तो इधर डालना है, तो सर जी मेरे जितने लोग आएंगे अगर मैं ज्वाइनिंग कराऊंगा तो मैं कहाँ डालूंगा, जब एक आदमी को दो ही आदमी को ज्वाइनिंग कराना है, अपने रेफरेंस से दो ही आदमी लगाना है, तो सर तीसरा बंदा तो मैं आप ही के रेफरेंस से तो दूंगा, वो व्यक्ति दोस्तों आपको आसानी से डीडी जान जाएगा। बड़ी जॉगिंग दोस्तों, आप अपने हेल्थ के लिए पर डे वॉकिंग और जॉगिंग करते हो, ऐसे दोस्तों आपको लिस्ट बनाने के लिए आपको मेमोरी जॉगर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आगे सेशन में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों लिखा गया, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, सर जी आप लिस्ट बनाइए, बोलते हैं सर जी क्या लिस्ट बनाना है, लिस्ट तो मेरे मोबाइल में है, मेरे दिमाग में है, सर मैं ऐसे काम कर लूंगा। दोस्तों कहा गया है कि स्मॉल पेंसिल इज द बेटर देन लॉन्गर मेमोरी, स्मॉल पेंसिल इज द बेटर देन लॉन्गर मेमोरी। दोस्तों लिस्ट हमेशा आपकी डायरी में होना चाहिए आपका। दोस्तों आप कभी भी मेरे पास आना, कभी भी मैं आपको किसी शहर में मिलूंगा, सुनना सर आपकी छोटी डायरी पेन कहाँ है, तो एक छोटी डायरी और एक पेन 24 आवर्स, मैं जहां सोता हूं बेडरूम में, मेरा पूरा बिजनेस ही दोस्तों इसी डायरी में चलता है, मैं फ्रेशर से लेकर के आज तक दोस्तों ओनली फोर इसी डायरी का इस्तेमाल करता हूं, हर महीने में एक डायरी बदलता हूं। लिस्ट मिनिमम कम से कम दोस्तों 150 लोग का होना चाहिए। अगर आपको लिस्ट बनाने का नियम आता है तो मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक बुक जरूर आपको बता दूंगा कि बनिए नेटवर्क मार्केटिंग का मिलियनेयर किताब, अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों आप उसमें 5,000 तक लिस्ट बना सकते हैं, आपको दोस्तों अमेज़न पर उपलब्ध है। लिस्ट बनाते समय कभी भी दोस्तों प्री जज ना करें, इतनी पॉइंट्स जानिएगा दोस्तों। और आपकी ट्रेनिंग में हमेशा एक बात बताते हैं आपके लीडर्स कि लिस्ट बनाने में
कैसे कैसे लोग आपके साथ होना चाहिए, जिसकी थोड़ा दोस्तों समाज में इज्जत हो, दोस्तों दो थोड़ा लिखा पढ़ा लिखा हो, थोड़ा वो 10,000 रुपये देने का कैपेबल हो, उसके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, छोटी मोबाइल से दोस्तों बिजनेस कैसे करेगा, और उसका दोस्तों दिमागी हालात ठीक हो, मतलब शराबी कबाबी ना हो, गलत काम ना करता हो, मार्केट में उसका रिपोर्टेशन खराब हो, चीटर है, दोस्तों इस तरह के लोगों को अपने बिजनेस में लेकर कभी मत आए। और 3 फीट रूल का इस्तेमाल जरूर करें लिस्ट बनाने में, जो भी आपके 3 फीट की दायरे में आता है, क्या बस में चलते हो, ट्रेन में चलते हो, आप ATM के लाइन में खड़े हो, गैस भरवाने गए हो, कहीं भी आप किसी दुकान पर गए हो, कहीं भी दोस्ती होती है 3 फीट रूल्स में, तो उस व्यक्ति का आप मोबाइल नंबर और उसका नाम दो तो आप अपने लिस्ट में जान सकते हैं। लिस्ट बनाते समय स्केल का ध्यान हमेशा देना। अगर दोस्तों आप 10,000 रुपये कमाते हो और आपके लिस्ट में 4,000 रुपये वाला आए हैं, तो बेचारा कहां से गीता खरीदेगा। अगर आपके लिस्ट में 20,000, 30,000, 40,000 वाले लोग हैं, तो मेरा शुरू के दिनों में 3 महीने में 500 लोग कैसे ज्वाइनिंग हुए थे, उसका क्या लॉजिक है? क्या मैं बहुत फाइटर नेटवर्कर था, मैं बहुत क्वालिफाइड था, एक जीने की आजादी किताब लेकर के मात्र घूमता था मार्केट में, दोस्तों मेरे सारे दोस्त फौजी थे और सब लोगों का दोस्तों 20,000 रुपये का इनकम था, तो 8,000 रुपये उस टाइम 7497 रुपये में दोस्तों फुल सेल का 2 प्रोडक्ट पर दोस्तों हमारा ज्वाइनिंग होता था, दो सूट मिलता था, और हमने सबको नियम बना दिया था और हमने दोस्तों उसी 2 फुट लेंथ पर दोस्तों ज्वाइनिंग का रेलम रेस कर दिया था, और 3 महीने में वही कारण था कि मैं 3,00,000 रुपये कमाया था। वो क्या था दोस्तों, फटाफट सेल निकालते चला गया, ना उस टाइम मुझे FIM आता था, ना दोस्तों मुझे उस टाइम ग्रुप मीटिंग करने आता था, ना लीडर्स मीटिंग, ना दोस्तों हमें सिस्टम के बारे में पता था। मेरे ग्रेट अपलाइन अरविंद सर दोस्तों थे, उसके बीच में मेरा कोई अपलाइन था ही नहीं, वो दोस्तों अहमदाबाद में थे, तो कितना टैलेंट, वो आते थे बीच में 10-10 दिन रहते थे मेरे साथ, फिर ट्रेनिंग होती थी, फिर चले गए, फिर मैं फौज में चला गया, दोस्तों इस तरह से हमारे स्टार्टिंग के दिनों में काम हुआ। तो मेरे स्केल इतने अच्छे थे कि दोस्तों मैंने अच्छे स्केल में काम किया। हमारे पटना में एक विनोद सर है, उनका पूरा टीम 7 ID पर बिजनेस पर है, क्योंकि उनकी सारी बिजनेस दोस्तों हाई प्रोफाइल में हुई थी और फटाफट दोस्तों टीम बना गए, और दोस्तों 7 ID आज उनके पास है, बिंदास हैं दोस्तों, जिन लोगों ने पहले बिजनेस ज्वाइनिंग किया था 7-7 ID पर, आज दोस्तों आप 7 ID पर बिजनेस करोगे तो आपके परिवार का 7 ID का नाम डालना पड़ेगा, नहीं तो पैन नंबर नहीं चढ़ेगा दोस्तों। ये आपका स्केल को तरीका को चेंज करने का दोस्तों नियम है। दोस्तों बोला जाता है इस बिजनेस के अंदर में कि दोस्तों हमारे जैन सर टॉप अर्नर सेफ फॉर कंपनी और वर्ल्ड का एशिया का एक नंबर 1 लीडर माने जाते हैं, एशिया का नंबर 1 लीडर का प्राइस दोस्तों जैन सर को मिला है। दोस्तों हॉट लिस्ट में जो आपके अपने रिलेटिव्स हैं दोस्तों, आपके परिवार के मेंबर हैं, वो 2-3% आते हैं और बिजनेस की फर्स्ट गियर डालने का आपका काम करते हैं, और वार्म लिस्ट में दोस्तों आपके फ्रेंड्स और आपके दोस्त दोस्तों 20-30% होते हैं, वो आपका सेकेंड और थर्ड गियर डालते हैं, और कोल्ड लिस्ट में दोस्तों 60-80% लोग होते हैं, वो दोस्तों इस बिजनेस में आपको 3rd से 4th से टॉप गियर डालते हैं, जैन सर बोलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक मेंशन करना चाहूंगा, मेरा हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट से सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग दोस्तों अगर मैंने कराया है तो दोस्तों मेरा हॉट लिस्ट से कोई नहीं बचा, मैं किसी भी अपना रिलेटिव को नहीं छोड़ा, और मेरे दोस्त में से भी दोस्तों 90% दोस्त मेरे ज्वाइनिंग हो गए हैं, 10% मात्र दोस्त बचे हैं, अभी भी उनके साथ मैं फॉलोअप पर चल ही रहा हूं, वो सारे लोग दोस्तों मेरे साथ इस बिजनेस में ज्वाइनिंग हो जाएंगे। तो ये टेक्निक है दोस्तों आपका लिस्ट बनाने का, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, आप लगातार लिस्ट पे काम करिए, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट बनाते चले जाइए दोस्तों, इसमें से कंटिन्यू आपके पास रिजल्ट आएंगे। दोस्तों आपको आगे बात करते हैं लिस्ट बनाने के तरीका। दोस्तों अल्फाबेटिकल अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो A to Z नंबर पर आपके पास जितने नाम आते हैं बचपन से लेकर अभी तक सब लिख सकते हैं, सिटी वाइज नाम लिख सकते हैं, अहमदाबाद में कोई आपका दोस्त है, अंबाला में, B4 बॉम्बे में, सी से कोई सिटी आती तो वहां पर चिल्का में, डी से कोई सिटी आती वहां पर आपको दोस्तों एक ऐसा नाम बनाइए। और सबसे बढ़िया तरीका डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप के अंदर में लिस्ट बनाने के लिए दोस्तों फ्रेंड्स मेथड का याद करिए, FRIENDS, 5 फ्रेंड का तो नाम आप आराम से लिख सकते हैं, पहला दिन ही दोस्तों आप देखिए 35 आदमी की लिस्ट बना सकते हैं, 5 रिलेटिव्स का नाम लिखिए, ज्यादा नहीं, 5 आपके साथ पढ़ने वाले लोगों का नाम लिखिए जो आपके साथ पढ़े हैं,
और आप नौकरी पेशा में पांच वहां से नाम उठाइए, पांच दो तो अपने पड़ोसियों का नाम उठाइए, पांच दो तो ड्रीमर्स टाइप के लोग कुछ आपके साथ दोस्त मित्र होते उनके नाम उठाइए, और पांच दो तो जाने अनजाने में किसी दोस्ती उनके नाम उठाइए। तो दो तो आप देखिए 35 आदमी का नाम पहले दिन लिख गए, और ABCD से आपने 30-35 का नाम लिख लेंगे, और सिटी वाइज लिस्ट से दो तो आपने 30-35 पहले दिन ही आप 105 आदमी का दोस्तों लिस्ट में नाम लिख सकते हैं। ऑलवेज याद रखिएगा, 3 स्टार उसको दीजिएगा। एक फॉर्मेट है मैन का, मैन का मतलब होता है मनी अथॉरिटी और नीड। जो आपके टीम में जैसे कोई फौजी दोस्त है, वो अपने बीवी से नहीं पूछेगा मेरे को DD देना है कि नहीं देना है, फट आपके पास पैसा भी है अथॉरिटी भी और उसको पार्ट टाइम पैसा भी चाहिए, वो दे देगा दोस्तों आपको पैसा। लिस्ट शुड बी द लिस्ट बुक, हमेशा लंच और फ्यूचर जो आपके पास है आप अपलाइन से लेवल कराइए उसके अंदर में दोस्तों रखिए। एक छोटा डायरी पक्का रखिए दोस्तों, ये आपका रामबाण है, चलते फिरते कहीं भी आप इसमें नाम लिख सकते हैं। और दोस्तों जो आपका लंच और फ्यूचर का फॉर्मेट है लिस्ट का, अगर आपके पास वो बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप सीरियल नेम एज ऑक्यूपेशन कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस और रिमार्क करके दोस्तों एक फॉर्मेट बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिनके पास दोस्तों लंच और फ्यूचर बुक्स है उसमें आपको इतने प्रकार की कैटेगरी मिलती है, आप न्यू लिस्ट बुक नाम डाल सकते हैं, इन्विटेशन का लिस्ट के नाम अलग कर सकते हैं, उसके बाद फॉलोअप में कौन आएगा उसका आगे का पेज में आप नाम डाल सकते हैं, FIM का लिस्ट दोस्तों उसमें आप बना सकते हैं कितने लोग अपने टीम में FIM करना है, नंबर्स ऑफ प्लानर ट्रेनर अगर आप लीडर्स हैं, फुल टाइमर आपके टीम में कोर कितने हैं, आपका कितना शहरों में काम चल रहा है, इन सब का दोस्तों आप तैयारी कर सकते हैं। और मेमोरी जॉगर का इस्तेमाल दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर दोस्तों आपने शहर में रहते हैं याद करिए आप एक डेंटिस्ट को जानते हैं, स्टूडेंट को जानते हैं, होटल मैनेजर को जानते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन आपके घर में काम करता है, कोई आर्किटेक्ट को जानते हैं, कोई वेटर को जानते हैं, कोई मेडिकल शॉप से जहां सामान आप दवा लाते हैं उसको जानते हैं, कोई पुलिसमैन आपका दोस्त है, म्यूजिक टीचर है, फायरमैन है, गवर्नमेंट सर्विस सैलून में अगर बाल कटवाते हैं कोई नर्स को आप जानते हैं, बैंक मैनेजर को जानते हैं, LIC एजेंट को जानते हैं जो आपसे LIC कर करके ले गया है उसको भी ज्वाइनिंग करिए, सर्जन को, आप मैकेनिक को, कोई एक्टर छोटा मोटा आपका शहर में, कोई बुक सेलर जहां अपने बच्चों को किताब खरीदते हैं, कोई कॉन्ट्रेक्टर को, कोई प्लम्बर को, कोई गैस डिलीवरी बॉय को, कोई लाल बाल वाला, कोई ओवर वेट वाला, कोई कारपेंटर को, कोई रेस्टोरेंट ऑनर्स को दोस्तों, जोमैटो बॉय जो आपके घर में खाना लाता है, स्विगी बॉय, मिल्क मैन, कोरियर बॉय जो आपके घर में कोरियर पहुंचाता है, कोई छोटा मोटा सिंगर है, राशन शॉप वाले को, पेट्रोल पंप पर जहाँ पेट्रोल भराते हो, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपका दोस्त है, फ्रिज TV वॉशिंग मशीन जहां से आप खरीदे हैं, फेसबुक जो दिन रात आप चलाते हैं वहां से भी स्ट्रेंजर का नाम लिख सकते हो, व्हाट्सबुक से बहुत नंबर मिल जाएंगे, आपके मोबाइल से बहुत नंबर मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वहां से नंबर मिल जाएंगे, ट्विटर से मिल जाएंगे, मैरिज पार्टी में कहीं गए वहां से ले सकते हो, बच्चे की बर्थडे पार्टी, गृह प्रवेश, किसी का नए शॉप का उद्घाटन करने गए हो वहां से ले सकते हो, मैरिज एल्बम से, टूर एल्बम से, बच्चे की बर्थडे पार्टी से, मैरिज DVD से, एनी फंक्शन दो तो आप इतने जगह से। और हमेशा 3 महीने का जो मैं आपको प्लान बनाता हूं दोस्तों कि आपके लिस्ट में 150 लोग अगर हैं तो पहले बार 150 लोग को आप प्लान दिखाएंगे, पहले महीने में 50 लोग आएंगे, 30 लोग ज्वाइनिंग करेंगे, 15,000 कमाएंगे और दोस्तों मात्र 6 लोग बच जाएंगे, घबराना नहीं। बहुत लोग बोलते हैं क्या दोस्तों आज मेरे पास 40,000 लोग है, तो 40,000 लोग मेरे साथ एक्टिव कितने हैं, मेरे पास दोस्तों टोटल एक्टिव पैनल पर आने वाले पूरे दिन में मेरे साथ 800-700 से ज्यादा लोग नहीं आते हैं, तो 40,000 में से मेरे साथ एक्टिव लोग कितने हैं, 800 लोग पैनल पर आने वाले हैं बस, लेकिन उन 800 का बदौलत फिर दोस्तों हम लोग 800,000 का टीम बना जाएंगे। ये बिजनेस को समझिए, सब लोग आपके साथ नहीं टिकेंगे, नहीं रुकेंगे, अगले महीने में फिर 150 के साथ में अगर आप 6 लोग आते हैं 900 का लिस्ट बनता है, 500 लोग प्लान देखने को बोलेगा, 180 आदमी ज्वाइनिंग करेगा, 90,000 की इनकम प्राप्त करोगे, 36 आदमी आपके साथ टिकेंगे दोस्तों। तीसरे महीने में अगर आपने बहुत फुली फुलफिल काम करते हो 150 लोग का हिसाब से 36 आदमी मुश्किल से दोस्तों आपके साथ 5400 लोग का लिस्ट बनेगा, 200 लोग दोस्तों उसमें से 2000 लोग बोलेंगे मैं ज्वाइनिंग करूंगा, 180 आदमी ज्वाइनिंग करेंगे, 540,000 का आपका इनकम होगा। अगर जिस दिन दोस्तों आपके साथ 200 कोर निकल गए इस बिजनेस के अंदर ना, तो आपको क्या लगता है डायमंड बनने में कितना समय लगेगा, मात्र दोस्तों 6 महीने के समय में आप डायमंड सिर्फ हासिल कर सकते हो अगर आपने लिस्ट बनाने की टेक्निक और फंक्शन को समझ गए। अगर दोस्तों कोई भी टारगेट जीतना है दोस्तों आपको स्वयं जूम ट्रेनिंग पर आइए, आप अपना लिस्ट को खुद अपग्रेड करिए, अपने टीम को अपग्रेड कराइए और लगातार लिस्ट बुक की और लिस्ट ही दोस्तों आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगा।
एक बार आप अपना माइंड सेट कर लीजिए दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आप आए हैं, आपने माइंड सेट कर लिया, अगर आप यहाँ पे करोड़पति बनना चाहते हैं, आप यहाँ पर इंडस्ट्रिस्ट बनना चाहते हैं, अगर एक आदमी का नाम लिखने से आपको 100 रुपये मिलता है दोस्तों, 100 आदमी का अगर आपने नाम लिखा, उसमें से अगर आपका साथ 20 आदमी ज्वाइनिंग करते हैं, 10 आदमी लेस्ट और 10 आदमी राइट, 200 बीबी के मात्र प्रोडक्ट लेकर के, तो आप 10,000 रुपये कमाते हैं, 100 से भाग दीजिए 100 रुपया दोस्तों निकल करके आता हर नाम लिखने का। लिस्ट बनाते समय दोस्तों प्रीजज कभी मत करें, 150 लोगों का लिस्ट जरूर बनाएं, जो जिसको आप सोचते हैं जुड़ेगा वो कभी नहीं जुड़ेगा, जिसको आप नहीं सोचते जुड़ेगा जुड़ेगा। बड़ी लिस्ट के फायदे, अगर आपको खदान से सोना निकालना है, लाखों टन मिट्टी निकालनी पड़ती है दोस्तों, आप समझिए 1-2 अंश अगर आपको हीरा चाहिए, 150 लोगों का लिस्ट बनाइए दोस्तों, उसी में से मिलेंगे। 150 लोगों का लिस्ट से ही आपके गोल छिपे हुए हैं, आपके घर, आपके मकान, आपके बच्चों का भविष्य दोस्तों। बड़ी लिस्ट हमेशा आपको कॉन्फिडेंस और दोस्तों मोराल पैदा करता है। याद करिए, स्कैनिंग ऑफ लिस्ट फॉर द एनी टारगेट्स के लिए, प्रोफाइल अगर आपके पास बढ़िया है, जो पहले पेज में स्केल बताया था, जो नीडी आदमी है अगर वैसा मिल गए, जो सीरियस है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, यंग है, एनर्जेटिक है, 20 से 50 साल का बीच का है, उसको बहुत ज्यादा नीड होता है। उसके ऊपर तो दोस्त लोग स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हैं, दूसरे को हेल्प करने लगते हैं। हार्ड वर्किंग वाला कोई व्यक्ति मिलता है, पीपल पीपल टाइप होना चाहिए, इसका मतलब शराबी कबाबी टाइप का व्यक्ति अगर है जिसका मार्केट में पोजिशन, उसको मत लीजिए। लर्निंग एंड हेल्पफुल एटीट्यूड का है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेजियस साहसी बंदा है दोस्तों, ऐसे आदमी को लिस्ट में आप नाम डालिए। और इस तरह से दोस्तों अगर आप लिस्ट बनाते हैं, और आज से दोस्तों अगर आप अपने टीम को बनाते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। बिग लिस्ट से बिग रिजल्ट मिलता है दोस्तों। 6 महीना तक डटे रहो, चेक बने तभी डटे रहो, नहीं बने तभी डटे रहो, चेक बनना दोस्तों एक ना एक दिन तय है। मेरे टीम में ऐसे ऐसे लोग आए जिनका 2-2 साल काम नहीं चला, और 2-2 साल के बाद उनका काम धड़ल्ले से चल गया,